हौज में जो फव्वारा खड़ा है उसको शिवलिंग का नाम देकर आप किसको गुमराह करना चाहते हैं, किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? इनको फाउंटेन फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर नहीं करना आता है, ये हैरत की बात है। मैंने कहा हम कोई अपील नहीं करना चाहते, हम कोई कानूनी चाराजोई नहीं करना चाहते, हुकूमत उनकी, पुलिस उनकी, ताकत उनकी, समाज उनका, अक्सरियत उनकी, अदालत ने अगर ईमानदारी दिखाई होती बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, जहां उन्होंने माना कि हमारी मिल्कियत है, हमारी मिल्कियत होने के बावजूद जब उनके सुपुर्द कर दी जाती है, तो आज मैं कैसे ये यकीन कर लूं? आप न्यायपालिका को सवालों के घेरे में, मैं न्यायपालिका को, हुकूमत को, हिंदूवादियों को, तमाम लोगों को सवालों के घेरे में ले रहा हूं, और मैं ये कहता हूं, सब्र करता हूं कि तुम्हें जो लेना है ले लो, तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास हुकूमत है, तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं कोई कानूनी चाराजोई करना चाहता हूं, ना किसी के सामने गुहार लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि एक सर्वोपरि शक्ति है जो सब कुछ देख रही है, जिसके हाथ में तमाम दुनिया का न्याय है, और वो न्याय जरूर होगा। इनको फाउंटेन फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर नहीं करना आता है, ये हैरत की बात है। तो इस किस्म के झूठ, इस किस्म की बेईमानियां जो फैलाई जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मिलीजुली साजिश है, और कोशिश इसके पीछे ये है कि हिंदुस्तान में एक और बंटवारा करा दिया जाए, जो हिंदुस्तान के मुसलमान किसी भी कीमत पर एक और बंटवारे के लिए तैयार नहीं है। ज्ञानवापी के हौज की जहां तक बात है, वो सिर्फ एक बनारस का मामला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म के जितने पुरानी मस्जिदें हैं, जितनी बड़ी मस्जिदें हैं, उन तमाम मस्जिद में ऐसा हौज पाया जाता है, और हर हौज के बीच में एक ऐसा फव्वारा लगाया जाता है जिसके जरिए हौज में पानी भरा और कम किया जाता है। तो दुनिया भर में छोड़ दीजिए, आप बरेली की मस्जिदों में, नौमहला की मस्जिद जाके देख लीजिए, मिर्जाई मस्जिद जाके देख लीजिए, जामा मस्जिद जाके देख लीजिए, पीलीभीत की जामा मस्जिद देख लीजिए, बदायूं की जामा मस्जिद देख लीजिए, उन मस्जिदों में भी। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान की हर जिले में ऐसा हौज पाया जाता है, और हर हौज में ऐसा एक शिवलिंग पाया जाता है, इसलिए उन तमाम मस्जिदों को मंदिर में तब्दील कर दिया जाना चाहिए, ये मंशा मुझे लगता है कि सरकार की। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।